दूसरा जो सबब बनता है वो है इनसिक्योरिटी, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऊपर गैर तवक्कल रखना, दूसरे चीज़ों के ऊपर ज़्यादा भरोसा रखना। ये जो इनसिक्योरिटी होती है या जो एक सोच होती है कि अगर अल्लाह ने किसी और को दिया तो वो मुझसे छीन कर दिया, ये जो इनसिक्योरिटी होती है ये गैर तवक्कल अल्लाह पर रखने की वजह से होती है। तो आपके दिमाग में कभी भी अगर ये सवाल आए या सोच आए कि मेरा जो रिस्क है, मेरी जो नियामतें हैं, मेरे जो चीज़ें हैं, वो अल्लाह ने ये छीन कर किसी और को दिए, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है और ये सबसे बड़ी सबसे बड़ा सबब बन सकती है आपकी इनसिक्योरिटी का, और यही डेवलप करता है हसद फैक्टर को। इंसान जब हसद करना स्टार्ट करता है, जब ये सोच हो जाती है कि उसके पास क्यों है मेरे पास नहीं, या मेरे पास नहीं है उसके पास क्यों, ये जो सोच बनती है ये एक और सबब बनती है नेगेटिव थिंकिंग का, नेगेटिव लिविंग का, और ये आपको रोकती है पॉजिटिव लिविंग के लिए। अल्लाह के दीन की दावत और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। आपके इस चैनल को और बेहतर बनाने के लिए आपका साथ जरूरी है। आई प्लस टीवी, बेहतर जिंदगी के लिए। अपने केबल या डीटीएच ऑपरेटर से आई प्लस टीवी आज ही डिमांड करें। आई प्लस टीवी फ्री टू एयर और इंडियन रजिस्टर्ड चैनल है।